दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। सो गाइस, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का एक ऑफिशियल अपडेट आया है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है जो कि बिगेस्ट अपडेट है कि आपका नीट 2021 के लिए जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, उन सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब कितना सिलेबस रिड्यूस किया गया है और उसके बेसिस पे न्यू सिलेबस हमारा क्या हो सकता है, क्या न्यू सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देन आप सभी को पता होगा कि आज एक लाइव सेशन था जो कि केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड था। ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक जी का, उन्होंने उस सेशन में बोला है कि आपका CBSE बोर्ड के एग्जामिनेशन का, इसी के साथ साथ नीट का और JEE का, इन सब का जो सिलेबस है वो 30% तक रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, 30% तक रिड्यूस कर दिया गया है। अब इस 70% जो सिलेबस बचा है, इसी 70% के बेसिस पर आपके जो CBSE के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, इसी 70% के सिलेबस के बेसिस पर आपके जो CBSE के एग्ज़ाम्स हैं वो, उसके साथ साथ नीट के एग्जामिनेशन हैं वो, और उसके साथ साथ JEE के एग्जामिनेशन हैं वो लिए जाएंगे। देखिए क्या बोला गया है उसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने बोला है कि श्री पोखरियाल ने वेबिनार के दौरान कहा, छात्रों को केवल CBSE बोर्ड परीक्षा और अन्य परीक्षाओं जैसे कि CBSE बोर्ड के पाठ्यक्रम 2021, संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE 2021 और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए संशोधित पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा। प्रश्न केवल उस भाग से ही पूछे जाएंगे। यानी कि उनका बोलना है कि जो सिलेबस अब रिड्यूस कर दिया गया है, जिस सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, जिस 30% सिलेबस को हटा दिया गया है, उस सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना, उस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस 70% सिलेबस से ही आपके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो पूछे जाएंगे। अब ये 70% सिलेबस कौन सा है, तो इसके लिए आपको CBSE का सिलेबस चेक करना है। CBSE के सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हटाए गए हैं उन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो कि सिलेबस रिड्यूस के बाद बचे हैं। अब इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि बायो का, केमिस्ट्री का एंड फिजिक्स का कितना सिलेबस जो है वो आपको पढ़ना है। तो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। फिलहाल की न्यूज़ यही है कि आपके सिलेबस को जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी और भी कोई भी अपडेट आती है एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग, तो आपको अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। देन गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिल सके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।